हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 5 मई और आज के इस वीडियो में हम 5 मई से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके पहले हम 4 मई में डिस्कस किए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या डिस्कस कर रखा था कि ब्राजील का एक पार्क है जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया है। MSME के लिए ओपन फॉर ऑल सिस्टम लॉन्च किया गया है ICICI बैंक के द्वारा। जीन बैंक परियोजना लाने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। मियां कपाड़ा रेलवे स्टेशन जो कि कहाँ स्थित है, राजस्थान में, इसका नाम बदला गया है, ये बदल करके कर दिया गया है महेश नगर हॉल्ट। इसके अलावा दुनिया की पहली टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट जो कि इंग्लैंड में बनके तैयार हुई है। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाला जो ग्रीन फील्ड ग्रेन यानी कि अनाज बेस एथेनॉल प्लांट है, इसका उद्घाटन किया गया है बिहार में। अब कल एक क्वेश्चन को लेकर के कंफ्यूजन था। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। रैंकिंग मैंने आप लोगों को 2021 की बताई थी, क्योंकि जिस समय मैं आप लोगों के लिए ये कंटेंट प्रिपेयर कर रही थी उस समय ये रैंकिंग है ना, ये मुझे मिली नहीं थी किसी वेबसाइट में। तो आज मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ईयर भी लिख दिया है, मेंशन कर दिया है, ताकि आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। और 2022 में ये जो रैंकिंग रिलीज की गई है इसमें भारत की रैंकिंग 150वीं बताई गई है। 2021 में भारत इसमें 142वें स्थान पर था, मतलब कि भारत में 8 स्थान की गिरावट आई है इस रैंकिंग में और भारत 150वें स्थान पर पहुंच गया है। इसमें सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले देश हैं नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, टॉप 3 है। भारत 150वें नंबर पर है। 180 कंट्रीज के बीच सर्वे जारी किया गया, भारत को 150वां स्थान मिला है। अच्छा, यहाँ से आप ये भी रिलेट कर लो कि ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की जाती है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, इसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है। तो नॉर्वे टॉप पर है, तो नॉर्वे के बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। यूरोप महाद्वीप का एक देश है। देखो, 5 कंट्री है ना जो मिलके क्या कहलाती है, स्कैंडिनेवियन कंट्री कहलाती है। ये 5 कंट्री है कौन कौन सी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ डेनमार्क और ये आइसलैंड। तो आप क्या देख पा रहे हैं, इसी स्कैंडिनेवियन यानी कि 5 में से 3 स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, जो कि इस रैंकिंग में टॉप पर रही है। तो चलो इस मैप के थ्रू ही हम एक एक इंडेक्स से रिलेट कर लेते हैं। जैसे कि शांति सूचकांक की यदि मैं बात करूं, पीस इंडेक्स में आइसलैंड टॉप पर है, इसमें भारत की रैंकिंग 135वीं है। नॉर्वे के बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। एक और इंडेक्स आप रिलेट कर लो, डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी नॉर्वे टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग 46 है। स्वीडन ये ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन में टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग 87 है। फिनलैंड ये हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में टॉप पर है और इंडिया की रैंकिंग 136 है। लास्ट ईयर भारत इसमें 139वें स्थान पर था। डेनमार्क की यदि मैं बात करूं तो करप्शन यहाँ सबसे कम होता है, मतलब कि ये करप्शन इंडेक्स में टॉप पर है, इंडिया की रैंकिंग इसमें 85 हो जाएगी। ठीक है, और हंगर इंडेक्स यहाँ से बच जाता है, तो हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 101 भी है। ये ऑप्शन मैंने कल बता दिए थे इसलिए यहाँ ऐड नहीं करी हूं मैं। और ये जो प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया इसकी थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सेज, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य की मुख्यमंत्री ने यानी कि किस राज्य में मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की गई है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल। अच्छा, ये रमन सिंह की इमेज आप लोगों को दिखाई दे रही है। अच्छा, रमन सिंह नहीं, सॉरी, वो थोड़ा फेस वैसा लगा, भूपेश बघेल ही है। भूपेश बघेल ने इस योजना की शुरुआत की है। मितान मतलब छत्तीसगढ़ी भाषा में इसका मतलब होता है मित्र या एक अच्छा दोस्त। तो इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं ये अपने घर पर ही घर पर रहते हुए सरकार की 100 से ज्यादा सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए मितान योजना की शुरुआत कर दी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ की लोकेशन आप इंडिया के मैप में कुछ यहाँ देख पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी हो जाएगी ये हो जाएगी रायपुर। अच्छा, रायपुर के पास से ही ना महानदी निकलती है। महानदी का उद्गम ये
छत्तीसगढ़ से होता है और ये बहती हुई जब ओडिशा में आती है ना, तो ओडिशा में संबलपुर के पास प्रसिद्ध हीराकुंड बांध, आप लोगों ने पढ़ा होगा भारत का सबसे लंबा नदी बांध है हीराकुंड बांध, इसी नदी पर बनाया गया है। और इसी नदी पर अभी हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने टी सेतु का उद्घाटन किया था, ठीक है। और यहाँ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि मैं बात करूं तो इंदिरा, कांगेर, गुरु घासीदास और सूरजपुर के पास ना एक जो तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो गुरु घासीदास और तमोर पिंगला इन दोनों को संयुक्त रूप से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यहाँ से कुछ तीन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता देती हूँ छत्तीसगढ़ से ही रिलेटेड। एक तो काफी बार मैंने आप लोगों को रिपीट कर करके याद करवा दिया है कि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड कराने वाला ये राज्य है। लैंगिक समानता यानी कि जेंडर इक्वालिटी के मामले में जो राज्य टॉप पर है ये भी छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य ये भी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? संतोष ट्रॉफी, सबसे पहले तो आप ये याद रखोगे कि ये किससे रिलेटेड है, मतलब कि किस खेल से रिलेटेड है ये संतोष ट्रॉफी, तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी फुटबॉल से। और ये जो संतोष ट्रॉफी है ये भी हाल ही में जीत ली है केरल ने। केरल ने हराया है पश्चिम बंगाल को और पश्चिम बंगाल को 5-4 से हरा करके ये खिताब अपने नाम किया। केरल की ये तीसरी जीत रही थी। केरल के मंजेरी स्टेडियम में इसका समापन हुआ और इसका 75वां एडिशन था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे केरल के कैप्टन जिजो जोसेफ। केरल के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद कुछ ट्रॉफियां हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, केरल के बारे में आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ ट्रॉफियां ही हम यहाँ से रिलेट कर लेते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स का डिस्कशन है। फुटबॉल का डिस्कशन आया तो फुटबॉल से रिलेटेड चलिए कुछ ट्रॉफियां यहाँ से हम रिलेट कर लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम का प्रश्न यानी कि एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो बंदोदकर ट्रॉफी, विज्जी ट्रॉफी, फिर आप इसमें एक विल्स ट्रॉफी रिलेट कर सकते हैं। विल्स के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट याद रखोगे डूरंड ट्रॉफी, ये जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में संपन्न हुआ था, इसमें की पहली बार विजेता रहा था गोवा, जरूर याद रखेंगे। डूरंड हो गया। इसके अलावा एक रोवर्स ट्रॉफी आप रिलेट कर सकते हो, रोवर्स ट्रॉफी, फिर सुब्रतो ट्रॉफी, ये भी आपके किससे रिलेटेड हो जाएगी, फुटबॉल से। और सबसे इंपॉर्टेंट भूलिएगा नहीं, फीफा, फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल से रिलेटेड ही ये टूर्नामेंट है क्योंकि अभी फीफा मेंस वर्ल्ड कप होना है ना 2022 का, इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी, इसे कतर होस्ट करने जा रहा है, तो ये तो फुटबॉल से रिलेटेड ट्रॉफियां हो गई। अभी हाल ही में क्रिकेट से रिलेटेड जो ट्रॉफी है विजय हजारे ट्रॉफी, ये पहली बार किसने जीती है, हिमाचल प्रदेश ने। और क्रिकेट से ही रिलेटेड एक ट्रॉफी है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये जो 2021 की रही थी ना, इसमें तमिलनाडु ने कर्नाटक को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया था। हाल ही में 35वां स्पेनिश लीग खिताब किसने जीता है, तो ये अभी हाल ही में, देखिए ये भी फुटबॉल क्लब से ही रिलेटेड है, हाल ही में जो रियल मैड्रिड है ना इसने 35वां अपना ये खिताब जीत लिया है, एस्पेनियोल को हरा करके, 4-0 से हरा करके 35वां स्पेनिश लीग रियल मैड्रिड ने जीता है। अब देखो स्पेन का फुटबॉल क्लब है तो थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं, स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। स्पेन का मैप मैंने ऐड किया है, देखो वर्ल्ड मैप में तो आप जानते हो बेसिक ये यूरोप है और यूरोप में ही यहाँ कुछ स्थित है स्पेन की लोकेशन। स्पेन की कैपिटल हो जाएगी मैड्रिड, करेंसी हो जाएगी यूरो। और आप देख क्या पा रहे हैं कि स्पेन से जुड़ा हुआ ये नीचे वाला हिस्सा अफ्रीका का है, मतलब कि यहाँ एक स्ट्रेट आप याद रखोगे यानी कि जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट, इसी जिब्राल्टर स्ट्रेट के माध्यम से ऊपर में यूरोप और नीचे में अफ्रीका महाद्वीप अलग होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो ये स्पेन और यहाँ क्या है मोरक्को, स्पेन और मोरक्को इसी जल संधि के माध्यम से अलग होते हैं, ठीक है। और बाकी भी जो आप लोगों को दिख रहे हैं ना ये भी फुटबॉल क्लब ही है, ये स्पेनिश फुटबॉल क्लब, फिर लीवर, मैनचेस्टर सिटी, यहां से आप रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सलाहकार ये बन गए हैं तरुण कपूर। ये जो तरुण कपूर है ये हिमाचल प्रदेश कैडर के 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं और ये पूर्व पेट्रोलियम सचिव रह चुके हैं। इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में कर दी गई है। देखिए प्राइम मिनिस्टर की यदि हम बात करें, नरेंद्र मोदी जी तो है ही, आप लोगों को मालूम है,
भारतीय संविधान में 74 से 78 तक इनके पद का उल्लेख है, डिटेल में यहाँ नहीं जाऊंगी। और इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है ना, ये वाराणसी हो जाएगा। ये वही वाराणसी है जहाँ भी हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर ये भी यहीं से संबंधित हो जाएगा। रोप वे सर्विस यानी कि भारत में पहली बार सार्वजनिक आवाजाही के लिए रोप वे सर्विस की शुरुआत करने वाला पहला शहर ये वाराणसी ही है। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा की यदि हम बात करें तो ये भी हाल ही में हमारे विदेश सचिव बनाए गए हैं। और यदि मैं बात करूँ सुमन बेरी की तो ये नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पहले थे अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव कुमार, तीसरे सुमन बेरी बने हैं। वी अनंत नागेश्वरन की यदि मैं बात करूं तो यह अभी हाल ही में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन होना है केवड़िया में, और केवड़िया है कहाँ स्थित? तो ये गुजरात में स्थित है। अभी आप देख पा रहे हैं कि कोरोना के नए नए वेरिएंट निकल करके सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है देश में, कैसे इस गंभीर समस्या से निपटा जा सकता है? जो अपना टीकाकरण अभियान है इसे आगे बढ़ावा देने के पर्पज से ये जो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है आयोजन केवड़िया गुजरात में किया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहीं स्थित है। इसकी अध्यक्षता करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। ये वही मनसुख मंडाविया है जिन्होंने भी हाल ही में इंद्रधनुष, हालांकि ये भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है, 4.0 की शुरुआत इन्होंने ही की थी। केवड़िया से रिलेटेड आप एक फैक्ट याद रख सकते हैं। देखो यहाँ तो आप लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी याद कर ही लिया है, सरदार पटेल की प्रतिमा है। भारत की पहली ई व्हीकल सिटी, ई व्हीकल सिटी कहने का मतलब है कि यहाँ पेट्रोल डीजल कारें नहीं चलती, पूरी तरह से ई व्हीकल यहाँ चलना अलाउ है, केवड़िया। मुंबई तो देखिए ओलंपिक को लेकर के जो यहाँ एक समिट होना है उसके लिए मेजबान शहर चुना गया है मुंबई को। गांधीनगर की यदि मैं बात करूँ तो देखो डेफ एक्सपो 2022 का जो आयोजन है ना, हालांकि रक्षा मंत्रालय के द्वारा हर 2 साल में आयोजित किया जाता है, गांधीनगर में होना था लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के कारण ये रद्द कर दिया गया। और दिल्ली से आप 2+2 वार्ता रिलेट कर सकते हो। अगला प्रश्न है, किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन अविन्या इसे लॉन्च कर दिया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अविन्या का मतलब क्या होता है? नवाचार। ठीक है, इनोवेशन, नवाचार। तो टाटा मोटर्स के द्वारा मतलब कि इस वाहन में इस्तेमाल की गई 500 किलोमीटर की रेंज के साथ 30 मिनट से भी कम समय में ये चार्ज हो सकती है, मतलब कि इतने तेजी से फास्ट चार्जिंग की इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही है टाटा मोटर्स। और इसी के साथ इसने अपना पहला ई वाहन अविन्या लॉन्च कर दिया है। टाटा मोटर्स भारत की ऑटोमोटिव निर्माता कंपनी है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नटराजन चंद्रशेखरन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और आप अदर ऑप्शन की बात करो तो टीवीएस है ना जो, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। टीवीएस के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। और इसके अलावा यदि आप रिलेट करोगे ना तो एथेनॉल से चलने वाली, मैं आपको ये 2 या 3 साल पुराना करंट बता रही हूँ, एथेनॉल से चलने वाली, शायद जब मैं करंट अफेयर पढ़ाती भी नहीं थी तभी तब की ये न्यूज है, एथेनॉल से चलने वाली भारत की जो पहली बाइक है ना ये टीवीएस के ही द्वारा लॉन्च की गई थी और इसका नाम था अपाचे RTR 200, ये याद करना आप लोग। और हीरो मोटो कॉर्प के द्वारा, यहाँ विडो लिखा मैंने, ये विडा है, विडा फॉर इमर्जिंग मोबिलिटी सॉल्यूशन, ये जुलाई से लॉन्च हो जाएगा। हीरो मोटो कॉर्प के द्वारा की गई ये पहल है। अच्छा, टोयोटा कहाँ की कंपनी है? तो ये जापान की कंपनी हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न है, IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जूनियर विश्व भारत्तोलन चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन है, अच्छा इसके इतिहास में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है जो, ये कौन बन गई है? तो ये भी हाल ही में बन गई है हर्षदा शरद गरुड़, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। ये जो चैंपियनशिप रही ये ग्रीस में आयोजित की गई थी जिसमें कि गोल्ड जीता है हर्षदा शरण गरुड़ ने। और ये 35 किलोग्राम की कैटेगरी में, अच्छा क्या लिखा है यहाँ कि महिलाओं के 35 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम का वजन उठा करके ये खिताब इन्होंने जीता है। तो हर्षदा शरण गरुड़ किस खेल से रिलेटेड है? ये वेट लिफ्टिंग आपके भारत तोलन से रिलेटेड हो जाएगी। हालांकि वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड आपकी मीराबाई चानू है जिन्हें
अभी टोक्यो ओलंपिक जो संपन्न हुआ था इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक में। ये बॉक्सर हैं। पीवी सिंधु ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, दो क्वेश्चन रिवीजन के लिए, विटली गोल्ड पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भी हाल ही में जीत लिया है। किसने? चारू दत्ता मिश्रा ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चारू दत्त मिश्रा की इमेज के आगे आप लोगों को स्नो लेपर्ड यानी कि हिम तेंदुआ की इमेज दिखाई दे रही होगी, मतलब कि स्नो लेपर्ड के संरक्षण, हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए इन्होंने जो कार्य किया है, इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए इन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड का नाम हो जाएगा विटली गोल्ड पुरस्कार 2022। ठीक है, एक इमेज मैं सर्च कर रही थी, मुझे मिल तो नहीं पाई आप लोगों के लिए, वरना मैं ऐड करती। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर अन्य ऑप्शन की यदि हम बात करें तो डेविड एटनबरो, इन्हें अभी हाल ही में यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, विद्युत मोहन, इन्हें इसी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया था। और एक कबाब बनाते हुए, मतलब स्ट्रीट फूड बनाते हुए एक स्ट्रीट वर्कर की फोटो थी ना, देवदत्त चक्रवर्ती ने कैप्चर की थी, इसके लिए इन्हें एक अवार्ड मिला था। अवार्ड का नाम क्या था? पिंक लेडी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार। और स्नो लेपर्ड डे यहाँ से याद रख लो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्नो लेपर्ड के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थापित किया जा रहा है। थल सेना की उपाध्यक्ष, देखो अध्यक्ष तो मनोज पांडे हैं, उपाध्यक्ष अभी हाल ही में बीएस राजू बन गए हैं। और 1 अप्रैल 1895 में स्थापना हुई नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, मनोज पांडे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बीएस राजू। 15 जनवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है। और इसी 15 जनवरी के मौके पर यानी कि इंडियन आर्मी डे ने जब अपना स्थापना दिवस मनाया, तब सबसे लंबा राष्ट्रीय ध्वज ये राजस्थान के जैसलमेर में ये मतलब शो किया गया था। वीके त्रिपाठी यानी कि विनय कुमार त्रिपाठी, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वीएस पठानिया, इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी के, और सुमन बेरी, ये नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष हैं जो ये बन गए हैं। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था इकबाल, इकबाल सिंह तो अल्पसंख्यक आयोग के हैं। विजय सापला राइट आंसर था। आज का सवाल है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड है जो, इसके लिए किसे चुना गया है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो को लेकर के जो भी फीडबैक है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।